बसपा से गठबंधन सोच समझ कर किया। मुलायम सिंह भी हैं गठबंधन के पक्ष में। उपचुनाव जीत पर दी थी माया को बधाई। गठबंधन ही हरा सकता है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जब संसद में पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो मोदी ने उनका धन्यवाद किया। बयान चर्चा का विषय भी बना, जिस पर बीजेपी ने तो सकारात्मक जवाब दिए, लेकिन खुद उनके पुत्र और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश जरा असहज हो गए थे। फिर सपा बसपा गठबंधन पर भी मुलायम के बयान ऐसे थे जो कम से कम मायावती को कतई पसंद नहीं आते। तो अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं कि मुलायम सिंह बसपा के साथ गठबंधन को लेकर खुश नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जब उपचुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने ही मायावती को बधाई दी थी। और रही बात उनके संसद में मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाली बात, तो वो सिर्फ शिष्टाचार था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं। यूं तो मुलायम ने मनमोहन को भी दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी, वो बने क्या? उन्होंने ये भी कहा कि कल क्या हो ये हम नहीं जानते, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।